खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर स्ट्रोक में आप पश्चिम बंगाल ले चलना है आपको। आप कहेंगे हर रोज ऐसा क्यों? क्योंकि हर रोज वहां से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही है, हंगामा और संग्राम छिड़ा हुआ है और एक नया चैप्टर आज फिर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर आज आंसू गैस के गोले चले, वाटर कैनन की बौछारें चली। ये हंगामा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कोलकाता की पुलिस के बीच। हमने कल भी आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनावों की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है और आज का ये हंगामा उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इस बवाल पर हमने एक हंगामेदार रिपोर्ट तैयार की है, आप उस रिपोर्ट को देखें। उससे पहले पांच हेडलाइंस जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी उतरी, पुलिस हेडक्वार्टर के घेराव की योजना थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी ने यह दावा किया कि पुलिस के बल प्रयोग से उसके बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के प्रदर्शन की अगुवाई की, बोले मुख्यमंत्री ने ही अपने कार्यकर्ताओं से कहा बदला लो। बीजेपी के प्रदर्शन में 18 नए चुने हुए सांसद भी शामिल थे। पुलिस ने बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बाद में उन्हें छोड़ दिया। राजनीतिक हत्याओं पर बंगाल में हो रहे बवाल का ये नया अध्याय। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज बड़ा प्लान था, वो कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर को घेरना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वाटर कैनन भी चली और आंसू गैस भी। सबसे पहले ये देखिए कि इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन की योजना पहले से थी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सभी बड़े नेताओं और नए चुने हुए सांसदों को इकट्ठा किया था, तमाम कार्यकर्ता भी थे और बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे। ये ममता जी के कारण हो रहा है, ममता जी की गैर जिम्मेदार बयान के कारण हो रहा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि हम एक एक इंच का बदला लेंगे, वहाँ कार्यकर्ता प्रमुख होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी सारे देश के अंदर कहीं पर वायलेंस नहीं है, बंगाल में वायलेंस क्यों है, पूछिए ममता जी से। कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और लाल बाजार में मौजूद कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे। हाथों में पोस्टर लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लग रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांगड़ा मुखे खून राजनीति मंचिना मनवना, मंचिना मनवना। आज के भारतीय जनता पार्टी के लाल बाजार अभियान सफल करुन, सफल करुन, सफल करुन। उनहत्तर प्रतिवाद लाल बाजार अभियान सफल करुन, सफल करुन, सफल करुन। लेकिन पुलिस पहले से ही तैयारी करके बैठी हुई थी। प्रदर्शन से ठीक पहले की तस्वीर मैं आपको लाल बाजार से दिखाना चाहूंगी। सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कोलकाता पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। इससे आगे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इससे आगे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो वेलिंगटन से प्रदर्शन करके आएंगे, उन्हें यहीं पर रोक दिया जाएगा ताकि आगे वो नहीं बढ़ सके। वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक ढाल, हेलमेट्स हैं, लाठियां हैं, तो पुलिस पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने के कई रास्ते हैं, हर रास्ते पर पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ भी पुलिस उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी।
पुलिस को देखते ही बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए जमीन पर बैठे। इन कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन तभी दूसरे रास्ते से बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता उस जगह पर पहुंच गए जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में तैनात कोलकाता पुलिस के जवान। बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे थे। पुलिस की तैयारी पहले से ही थी। जब ये कार्यकर्ता ज्यादा हिंसक होने लगे तो पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ दिया। तेज गति से जब पानी कार्यकर्ताओं के ऊपर गिरने लगा तो वो पीछे हटने लगे। वाटर कैनन है वो खोल दिया गया है। इसके सब के बावजूद तमाम जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की जो तमाम कार्यकर्ता है वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं और महिला पुलिस आगे खड़ी है। कोलकाता की जो तमाम महिला पुलिस है वो फिलहाल आगे है ताकि बोलने रोकने की एक कोशिश कर सके, संभव कोशिश। लेकिन बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लगातार वाटर कैनन छोड़े जाने के बावजूद कार्यकर्ता डटे हुए और कोशिश उनकी यही है कि वो इससे आगे लाल बाजार की तरफ बढ़ सके। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को पानी की तेज बौछार से पीछे कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस इलाके में बारिश हो रही हो। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस तेज बौछार के आगे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता टिक नहीं पाया और वो दूर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही। এটা কি কারণে রাস্তায় নেমেছে? আঠেরো জন সাংসদ রাস্তায় নেমেছে, বিষয়বস্তুটা কি? বিজেপির কর্মী বিজেপির গুন্ডারা রাস্তায় নেমে কলকাতাকে অবরুদ্ধ করতে চাইছে, মানুষের চরম ভোগান্তি। আজকে আমরা একটা মিছিল মিটিং করি না কেন, যে মানুষের অসুবিধা হবে? আজকে এরা সেখান থেকে জেলা থেকে মানুষ এনে সারা রাজ্যে বিভিন্ন ঝাড়খণ্ড থেকে মানুষ এনে এরা চাইছে বাংলাকে অবরুদ্ধ করা, কলকাতাকে অবরুদ্ধ করা। जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सत्ता थी तो ममता बनर्जी ने ऐसे ही धरने प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई थी और अब बीजेपी ममता के हथियार से ही उसे हराने की कोशिश कर रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में सेंध लगाई है, लेकिन अभी भी कोरबो लोरबो जीतबो की लड़ाई में वो ममता से बहुत पीछे है। बीजेपी को अच्छी तरीके से यह मालूम है कि ममता से लड़ाई जीतनी है तो सड़कों पर उतरना होगा, ममता से मुकाबला करना है तो ममता के ही अंदाज में किया जा सकता है। कोलकाता में बीजेपी का हल्ला बोल उसी रणनीति का हिस्सा है, मास्टर स्ट्रोक आपके लिए है, क्योंकि यहां पर कुछ भी कोर बो चुनाव जीत बो दोनों ही पार्टियों की मंशा है।